नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। क्या होता है बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से, आइए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। दोस्तों, इस संसार के प्रत्येक प्राणी को अन्न की आवश्यकता होती है, अन्न से ही उसे ऊर्जा प्राप्त होती है। हर पशु के लिए अलग अलग प्रकार के अन्न की आवश्यकता होती है। पशु भी अन्न ग्रहण करते समय ईश्वर के नियमों का पालन ही करते हैं। मांसाहारी पशु भूख लगने पर ही शिकार करते हैं तो शाकाहारी पशु दूसरों का पालन पोषण करने हेतु अन्न ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से मनुष्यों के लिए भी भोजन के कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। हमारे शास्त्रों में भोजन करने की दिशा, भोजन के प्रकार, भोजन करने का सही समय, इन विषयों में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मनुष्य को भोजन करने संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। यह उपदेश मनुष्य की उन्नति करने वाला, उन्हें दीर्घायु दिलाने वाला तथा सभी प्रकार के रोगों से मुक्त रखने वाला है। जिस देह को स्वयं पर ब्रह्म ने प्रदान किया है, उन्हीं ने उस देह को शुद्ध और स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य को उपाय भी बताए हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इन नियमों का पालन करता है, उसका देह सदैव शुद्ध, स्वच्छ, विकारों से रहित तथा सद्गति प्राप्त करने वाला होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से मनुष्य को भोजन के प्रकार बताए हैं। किस प्रकार के भोजन से मनुष्य की प्रवृत्ति क्रोधी, क्रूर और राक्षसी बनती है और किस प्रकार का भोजन करने से मनुष्य सदाचारी, विनम्र और दूसरों के मन पर विजय प्राप्त करने वाला बन जाता है। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है उसे उसी प्रकार का देह और विचार भी प्राप्त होते हैं। अतः धन की देवी माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी मनुष्य को उचित भोजन सामग्री का ही चुनाव करना चाहिए। मनुष्य चाहे गरीब हो या धनवान हो, वह चाहे राजमहल में रहता हो या वन में, उसे अपने देह की तृप्ति के लिए भोजन अवश्य ही करना चाहिए, परंतु इंद्रियों की लालसा में इतना भी उन्मत्त नहीं हो जाना चाहिए कि वह तामसिक एवं राजसिक आहार का सेवन करके क्रोधी, क्रूर तथा निष्ठुर बन जाए। तामसिक भोजन करने वाला मनुष्य अपनी मान मर्यादा, संस्कार एवं अपने शील को भी नष्ट कर लेता है और दुष्कर्म का मार्ग पकड़ लेता है। राजसिक भोजन करने वाला क्रोधी, आलसी तथा हिंसक बन जाता है। किंतु जो मनुष्य ईश्वर का नाम लेकर सात्विक भोजन का आहार लेता है, वह देह से तो शुद्ध होता है, साथ ही उसका मन भी पवित्र और सुंदर हो जाता है। ऐसे देह में ईश्वर सदैव ही निवास करते हैं। आइए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, देहधारी मनुष्यों की प्रवृत्ति तीन प्रकार की होती है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। वह उसी अनुसार अपना भोजन चुनता है। मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, इसी कारण वह भोजन के स्वाद का आनंद भी लेता है। जो मनुष्य अपने इंद्रियों पर विजय पा लेता है, उसके लिए भोजन का स्वाद मायने नहीं रखता। वह तो केवल अपने देह को ऊर्जा प्रदान करने के लिए ही भोजन ग्रहण करता है। परंतु जिस मनुष्य के इंद्रिय उसके वश में नहीं रहते, वह स्वाद के लालच में तरह तरह के व्यंजनों को खाने की इच्छा रखता है। ऐसा मनुष्य स्वादिष्ट अन्न स्वयं ही ग्रहण करता है और दूसरों में नहीं बांटता, उससे बढ़कर क्रूर कौन होगा। श्री कृष्ण के अनुसार जो भोजन सात्विक हो, वह सद्गुणी मनुष्यों को प्रिय होता है। ऐसा भोजन आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, बुद्धि और ऐश्वर्य देने वाला होता है। इसमें गौ का दूध सबसे उत्तम माना गया है। उसके पश्चात धरती की गोद में उगाया हुआ अनाज और रसयुक्त फल भी सात्विक भोजन की श्रेणी में ही आते हैं। इसके पश्चात आता है रजोगुणी भोजन, जो भोजन अत्यंत तिक्त, खट्टा, नमकीन, चटपटा, शुष्क एवं जलन निर्माण करने वाला होता है। वह भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। ऐसा भोजन रोग, दुख तथा शोक निर्माण करने वाला होता है। ये भीतर से देह को जलाता है और व्यक्ति को क्रोधी तथा क्रूर बनाता है। राजसी भोजन खाने में तो स्वादिष्ट होता है, परंतु यह मनुष्य में कई प्रकार के विकार उत्पन्न करता है। व्यक्ति अधिक लालची और अहंकारी बन जाता है। और तीसरा भोजन है तामसी। तामसी भोजन अर्थात अशुद्ध, बासी, दुर्गंध युक्त होता है। खाने के 3 घंटे पूर्व बना भोजन, जो ईश्वर को बिना प्रसाद चढ़ाए ही ग्रहण किया जाता है, वह तामसी ही होता है। मांसाहार भी तामसिक भोजन में भी आता है। ऐसा भोजन राक्षसी प्रवृत्ति के मनुष्य के लिए अत्यंत प्रिय होता है। जो स्त्री देवी देवताओं की पूजा करती है, उसे तो कदापि तामसिक आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे उसे उसकी पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता है।
ऐसी स्त्री के घर से लक्ष्मी भी चली जाती है और घर में क्लेश और अशांति बनी रहती है। अतः हम जिस प्रकार का भोजन करते हैं उसी अनुरूप हमारी प्रवृत्ति भी बन जाती है। बिस्तर पर बैठकर, दहलीज पर बैठकर भोजन करना सर्वथा अनुचित है। बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से मनुष्य की आयु कम होती है, शरीर में विकार निर्माण होते हैं। जमीन पर बैठकर भोजन करने से शरीर के अंदर की गर्मी जमीन में प्रवेश करती है, लेकिन बिस्तर पर बैठने से यह शरीर के अंदर ही रहती है, इससे रोग निर्माण होते हैं। वही दहलीज पर कभी बैठकर खाना नहीं चाहिए, इससे दरिद्रता आती है। ईश्वर को और गाय को भोग लगाए बिना किया गया भोजन भी तामसी ही होता है, यह मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाता है। दूसरों के मुंह से छीनकर खाया हुआ भोजन अथवा दूसरों को भूखा रखकर स्वयं छिपकर खाया हुआ भोजन दुख, दरिद्री और बर्बादी ही लेकर आता है। भोजन को सदैव ही बांटकर खाना चाहिए। भोजन करने से पूर्व माँ अन्नपूर्ण का धन्यवाद करना चाहिए और भोजन को कभी फेंकना नहीं चाहिए। जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन लेना चाहिए। शास्त्रों में भोजन को परब्रह्म ही कहा गया है, अतः भोजन का अपमान साक्षात श्री कृष्ण का ही अपमान माना जाता है। भोजन के बाद थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए, इससे पितृ देवता रुष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को पितृ दोष लगता है। भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे झट्ठर अग्नि शांत हो जाती है और भोजन अच्छे से नहीं पचता। भोजन हो जाने के बाद कसरत नहीं करनी चाहिए अथवा हेवी वर्क भी नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद थोड़ी देर तक बैठकर घूमना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद भी नहीं सोना चाहिए। भोजन करते समय बातें नहीं करनी चाहिए। हंसते हुए क्रोध में भी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय पहले के तीन निवाले मौन रहकर ग्रहण करने चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में भोजन से संबंधी नियम बताए गए हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा और जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।